गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस चिल्ड्रन. नाउ यू आर प्रमोटेड टू क्लास फ्रॉम क्लास 7 टू क्लास 8 एंड आई एम योर गीता मैम एंड आई विल टीच यू साइंस. सो आर फर्स्ट यूनिट इज फूड एंड द फर्स्ट चैप्टर नेम इज क्रॉप प्रोडक्शन, फसल का उत्पादन. लेट्स रीड इट. द साइंस दैट डील विद द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल फॉर ह्यूमन यूज इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. तो वो साइंस जिसमें प्लांट्स की ग्रोथ और एनिमल्स की ग्रोथ के बारे में हम पढ़ते हैं उसे हम एग्रीकल्चर बोलते हैं. एग्रीकल्चर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री. तो एग्रीकल्चर हमारी वर्ल्ड की सबसे बड़ी और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है. इट इज थॉट टू हैव बिगन 10,000 ईयर एगो. तो इसके बारे में लगभग 10,000 साल पहले ही सुना जा चुका है. बिफोर दैट, उससे पहले मैन वॉज अ वंडरिंग फूड गैदरिंग एंड हंटेड एनिमल फॉर द फूड. तो उससे पहले लोग क्या करते थे, खाने की तलाश में इधर उधर घूमा करते थे और एनिमल्स का हंटेड करते थे, शिकार करते थे. देन ही डिस्कवर्ड दैट बाय प्लांटिंग सीड ही कुड ग्रो प्लांट दैट गेव हिम फूड. फिर उन्होंने ये डिस्कवर किया कि कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनको हम अगर उगाएं तो वो एक प्लांट बना सकते हैं और वो बड़े होकर हमको फूड भी प्रोवाइड करा सकते हैं. दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. और इस तरह से हमारी क्रॉप प्रोडक्शन की बिगनिंग हो गई थी. मैन नो लॉन्गर हैड टू वॉन्डर अराउंड फॉर फूड. अब इंसान आराम से फूड की तलाश में आ चुका था. ही विकम अ फार्मर एंड सेटल इन फार्मिंग कम्युनिटीज. और अब वो कम्युनिटीज में सेटल हो चुका था और फार्मर बन चुका था. ही ऑल्सो स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल फॉर फूड एंड अदर पर्पज. तो अब उसने क्या किया कि कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं लाइक काउ बफेलो, इनको उन्होंने फूड और अदर पर्पज के हिसाब से अपने पास सेटल कर लिया और उनको भी अपने साथ रखने लगे. टूडे नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स वर्कफोर्स इज एम्प्लॉयड इन ग्रोइंग क्रॉप फॉर लुकिंग और लुकिंग आफ्टर फार्म एनिमल्स. आज क्या है, आज की दुनिया में कि ज़्यादा लगभग 50% से भी ज़्यादा अराउंड 70% जो लोग हैं वो फसल पे डिपेंड हैं यानी फार्मर हैं. एट 70% दिस परसेंटेज इवन हायर इन इंडिया. बल्कि 70% से भी ज़्यादा इंडिया में लोग फार्मर हैं और वो फसल पे ही यानी क्रॉप्स पर ही डिपेंड हैं. हाउएवर एग्रीकल्चर चेंज्ड वेरी स्लोली अंटिल अबाउट 100 ईयर एगो. और फिर भी एग्रीकल्चर लगभग 100 सालों तक बहुत धीरे 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 वर्क करता रहा. सिंस देन देयर हैव बीन ट्रमंडस एडवांटेज इन डेवलपिंग न्यू वैरायटीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन यूज ऑफ द फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड इन द यूजिंग मशीन सच एज ट्रैक्टर हार्वेस्टर ETC. पहले तो लोगों के पास में इतने सारे इक्विपमेंट्स नहीं थे और वो कृषि अच्छे से नहीं कर पा रहे थे. लेकिन धीरे धीरे जैसे ही उन्होंने इसमें इन्वॉल्व होना स्टार्ट किया, ट्रमंडस एडवांटेज, उनको बहुत सारी एडवांटेज मिलना स्टार्ट हो गई और उन्होंने बहुत ही वैरायटी के प्लांट्स एनिमल्स इन सब में अपना 100% देना स्टार्ट कर दिया. और इस तरह से अब उनको बहुत सारी फर्टिलाइजर्स भी मिल गए और पेस्टिसाइड्स भी मिल गए. दिस हैड लेड टू बेटर क्रॉप्स एंड हायर यील्ड. और इन सारी चीज़ों से क्या होती है कि हमारी जो क्रॉप है वो उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है और हमें जो खेती होती है उसका बहुत ज़्यादा फायदा भी होने लगा है, प्रॉफिटेशन बढ़ गया है. इन इंडिया दिस एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन और ग्रीन रिवॉल्यूशन एज वेल कॉल इट बिगन इन 1960 एज अ रिजल्ट. प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स हैज इंक्रीज सेवरल फूड फोल्ड. सो अब क्या हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन. ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारा एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है. इसके जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ है उसके बाद से लगभग 1960 के बाद से इंडिया में बहुत ही अच्छा ग्रोथ किया है एग्रीकल्चर के फील्ड में. अब बहुत ही ज़्यादा वैरायटी की हमें क्रॉप भी मिलने लगी है. क्रॉप प्लांट्स, लेट्स रीड अबाउट द क्रॉप प्लांट्स. द प्लांट्स ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटी इन द फील्ड आर कॉल्ड क्रॉप प्लांट. तो जो लार्ज क्वांटिटी में हमारे प्लांट्स को हम लगाते हैं अपने फील्ड में उन्हें हम बोलते हैं क्रॉप प्लांट. द प्रोडक्ट ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट इज कॉल्ड द क्रॉप और प्रोड्यूस. द क्रॉप प्रोडक्ट मे बी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन, रूट्स, फाइबर, ETC. तो अब जो
कल्टीवेटेड मतलब जहाँ पर भी हमें बहुत सारी फसल करनी है उनको हम एक साथ में जब लगाते हैं उन्हें हम क्रॉप बोलते हैं। और ये हमें ग्रेन या रूट या फाइबर के फॉर्म में भी मिल सकते हैं, लाइक ग्रेन्स लाइक व्हीट, राइस, रूट्स लाइक पोटैटोज वगैरह, ये सारी हमारे रूट्स होते हैं, सॉरी स्टेम होते हैं। रूट्स लाइक कैरेट, वी गेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड प्रोडक्ट्स सच एज सीरियल, फ्रूट, वेजिटेबल फ्रॉम क्रॉप्स। सो हम क्रॉप से बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स कर सकते हैं, लाइक सीरियल क्रॉप्स होती हैं, फ्रूट क्रॉप्स होती है, वेजिटेबल क्रॉप्स होती है, ये सारी भी हम क्रॉप अपने फील्ड्स में उगा सकते हैं। सीरियल क्रॉप लाइक दे आर न्यूट्रिशियस सीड ऑफ क्रॉप दैट आर मेनली रिच इन स्टार्च एंड फाइबर। सीरियल क्रॉप्स कौन सी होती हैं जिनमें बहुत जिनके सीड्स में बहुत सारे न्यूट्रिशियस होते हैं लाइक स्टार्च एंड फाइबर। सम ऑफ देम आर गुड सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, उनमें से बहुत सारे कुछ ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है, विटामिन होते हैं एंड मिनरल्स होते हैं लाइक राइस, व्हीट, मेज, ज्वार एंड बाजरा। फ्रूट्स, अ फ्रूट्स इज अ सीड बियरिंग रिपेंट ओबरी ऑफ अ फ्लॉबरिंग प्लांट दैट इज एप्पल, मैंगो, चेरीज एंड ऑरेंज। तो फ्रूट के बारे फ्रूट्स तो आप सभी को पता ही होंगे, इनके जब ये पक जाते हैं यानी रैप हो जाते हैं उसके बाद से उनके अंदर एक सीड निकलता है जिससे भी वो न्यू क्रॉप कर सकते हैं। वेजिटेबल इट इज न्यूट्रिशन प्लांट प्रोडक्ट ईटन एज फूड, फॉर एग्जाम्पल पोटैटोज, पाइने, कैरेट, ऑनियन। तो वेजिटेबल्स भी हम अपने प्लांट्स में प्रोडक्ट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ क्रॉप, देयर आर टू मेनली टाइप्स ऑफ क्रॉप्स लाइक इन इंडिया लाइक खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप, दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन रेनी सीजन बिटवीन जून एंड अक्टूबर। तो खरीफ क्रॉप्स कौन होती हैं जो कि इनको हम मेनली ये रेनी सीजन में होती हैं जिसमें ज़्यादातर जून के मंथ में इनको बोया जाता है, इनको लगाया जाता है और अक्टूबर में इनको काट लिया जाता है। खरीफ क्रॉप्स आर सोन एट द बिगिनिंग ऑफ द मानसून सीजन। इनको कब सोन मतलब बोया जाता है, कब सोन किया जाता है, जून या जुलाई के मंथ में, एंड हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ द मानसून। और इनको कब हार्वेस्टेड मतलब इनके कटाई कब की जाती है, सितंबर एंड अक्टूबर में। और खरीफ की क्रॉप्स में आपसे इनके नेम आपको पता होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइक राइस, मेज, ग्रूनट, कॉटन, सोयाबीन। सो दीज आर द खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। तो इनको हम कब बोते हैं, विंटर सीजन में। दे आर ग्रोन बिटवीन अक्टूबर एंड मार्च एंड अप्रैल। तो इनको हम अक्टूबर और मार्च, अक्टूबर में इनको बोया जाता है, मार्च अप्रैल तक इनकी कटाई हो जाती है, हार्वेस्टेड हो जाते हैं। रबी क्रॉप्स आर सोन इन द बिगिनिंग ऑफ द विंटर लाइक अक्टूबर एंड नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन मार्च एंड अप्रैल। वीट, ग्राम्स, पी, मस्टर्ड, बार्ले, पोटैटो, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स। हेयर यू हैव गिवेन अ टेबल, इन दिस टेबल क्रॉप्स एंड एग्जाम्पल क्रॉप्स लाइक सीरियल क्रॉप्स, एग्जाम्पल लाइक राइस, वीट, मेज, बार्ले एंड सोरगम। फाइबर क्रॉप्स लाइक जूट, कॉटन, हेम्प। सो जूट एंड कॉटन आर अ फाइबर क्रॉप्स। पल्सेस, पल्स, ग्राम्स, पीज, बीन्स, सोयाबीन एंड ग्राउंडनट, ऑयल सीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सी सेम, सनफ्लावर। रूट क्रॉप्स लाइक स्वीट पोटैटोज, बीटरूट, कोलिसियम याम। यूबर क्रॉप्स लाइक पोटैटो, जिंजर, टैपिकोआ। सुगर क्रॉप्स लाइक सुगर केन, बीटरूट। सम स्पाइसेस लाइक कार्डेमम, ब्लैक पेपर, चिलीज। बीवरेज लाइक टी, कॉफी, कोकोआ, मॉडिफाइड स्टेम, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक एंड ऑल अदर। नाउ मूव टू एक्सरसाइज चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर वन इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। सो योर होमवर्क इज यू शुड राइट इन योर कॉपी टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वन इज द लार्ज सॉयल क्रम्स इन अ प्लक्ड फील्ड आर ब्रोकन बाय अ ट्रैक्टर। अ मेजर सोर्स ऑफ वाटर इन द फील्ड इज rainfall. Drip system is used during irrigation. Which one is the kharif crop? It is paddy. The nitrogen deficiency of soil can be made up by using the principle of crop rotation. And flubs children आपको खुद से करने हैं, next class में मैं complete कराऊंगी। मैथ द following आपको करने हैं, तब तक के लिए bye bye.